हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक पर आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल की आज डिस्कस करेंगे तो आइए पहले देखते हैं हम डबल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें एग्जाम्पल दिया गया है इवेल्यूएट आई इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू वन एंड लिमिट जीरो टू एक्स ई रेस टू वाई बाई एक्स डी एक्स डी वाई ये जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है उसमें दो लिमिट है जीरो टू वन एंड जीरो टू एक्स यहाँ पर हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो सिंपल एग्जाम्पल है किसी भी डबल इंटीग्रल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक लिमिट कांस्टेंट होगी और एक लिमिट वेरिएबल होगी यहाँ पर जो एग्ज़ाम दिया गया है उसमें एक्स की लिमिट कांस्टेंट है और वाई की लिमिट वेरिएबल है तो इसका सोल्यूशन हम सिंपली ही करके करेंगे तो पहले हम वाई के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल करेंगे तो जीरो टू वन लिमिट है वो वैसे ही रहेगी और जीरो टू एक्स ई रेस्ट टू वाई बाई एक्स डी वाई पहला उसका इंटीग्रल करेगा और बाद में एक्स वाला एटले डी एक्स के तो ई रेस्ट टू वाई बाई एक्स का इंटीग्रल हो गया ई रेस्ट टू वाई बाई एक्स और वन अपॉन एक्स का एक्स इंटू मल्टीप्लाई में और एक्स और की लिमिट को वैसे ही रखेंगे और डी एक्स अब ई रेस्टू वाई बाई एक्स के पहले हम x पुट करेंगे और बाद में जीरो वैल्यू पुट करेंगे अब बारी x की तो x का हो गया एक्स स्क्र बाई टू ई माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो उसे हम मल्टीप्लाई में वैसे ही रखेंगे और पहले हम एक्सक्वेयर बाई टू में वन रखेंगे तो वन बाई टू और जीरो रखेंगे तो ज़ीरो तो वन बाई टू तो हमारा आंसर हो गया आई इजिकल टू वन बाई टू ई माइनस वन पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा वो एक सिंपल एग्जाम्पल है अब कोई रीजन वाला थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम लेते हैं तो हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो इवेल्यूएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू टू एक्स प्लस थ्री वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजियन बाउंडेड बाई एक्स इजिकल टू जीरो वाई इजिकल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई इजिकल टू वन अगर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल रीजन वाला दिया गया हो और उसका डबल इंटीग्रल कर इंटीग्रल फाइंड करना हो तो हमें तीन बातें याद रखनी चाहिए ड्रॉ द रीजन, फाइंड आउट द लिमिट्स एंड सोल्व द इंटीग्रल। तो आइए पहले हम देखते हैं ड्रॉ द रीजन। एक्स इक्वल टू जीरो, ज़ीरोस इक्वल टू ज़ीरो वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन का हमें रीजन ड्रॉ करना है तो ये आपको दिख रहा है एक्स इजिक्वल टू ज़ीरो वाई इजिकल टू ज़ीरो एंड एक्स प्लस वाई इजिकल टू वन यहाँ पर हमने रीजन ड्रॉ किया है और बाउंड्री रीजन हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिखाया है x इज इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई के इंटरसेक्शन पॉइंट जीरो कोमा वन एंड वन कोमा जीरो आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल टू इंटीगल इी वाई डी एक्स डी वाई ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है तो कंसिडर अ वर्टिकल स्ट्रिप ए बी वूज बॉटम एंड इज ऑन वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड टॉप इज ऑन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन वाई इज़ वेरियस फ्रॉम वाई इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स ए हमको क्या दिया गया है आई अब देखते हैं आपको रीजन में एक ब्लैक कलर की वर्टिकल स्ट्रिप दिख रही होगी उससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे लिमिट लेनी है तो दूसरा हमारा पॉइंट था न कि फाइंड आउट द लिमिट्स उसकी बात हम करेंगे तो पहले हम वाई की लिमिट फाइंड करेंगे तो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन में से वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स हो गया तो आइए अब देखते हैं हमारी लिमिट क्या होगी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो टू वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई इज वेरियस आई होप के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे वाई की लिमिट फाइंड की अब हम बात करेंगे एक्स की लिमिट की तो एक्स की लिमिट फाइंड करने के लिए देन यू मूव वर्टिकल स्ट्रिप ए बी ओरिजोनटली फ्रॉम ओ टू पी देन द शूल्डेड रीजन विल बी कन्वर्ट सो द लिमिट्स ऑफ एक्स इज हमारी एक्स की लिमिट क्या होगी जीरो टू वन आइए देखते हैं रीजन में कैसे पता चलेगा वर्टिकल स्ट्रिप को हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो हमें कॉन्स्टेंट लिमिट मिलेगी x इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स इक्वल टू वन हमने जैसे अगले एग्जाम्पल में देखा कि एक लिमिट वेरिएबल होगी और एक लिमिट कॉन्स्टेंट होगी तो वैसा ही हमें इस एग्जाम्पल में देखने को मिला और बाकी के सब एग्जाम्पल में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा तो आइए अब अब दोनों को लिमिट को हमने फाइंड कर ली है तो भी इसका इंटीग्रल करेंगे तो x इज इक्वल टू ज़ीरो टू वन और y इज इक्वल टू जीरो टू वन माइनस एक्स ई रेस्ट टू टू एक्स प्लस थ्री वाई डी वाई डी एक्स पहले हम y के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल करेंगे तो ई रेस्ट टू टू एक्स इंटू ई रेस्ट टू थ्री वाई डी वाई डी एक्स अब हम करेंगे ज़ीरो टू वन ई रेस्ट टू टू एक्स और ई रेस्ट टू थ्री वाई का ई रेस्ट टू थ्री वाई बाई थ्री लिमिट हम पुट करेंगे ज़ीरो टू वन माइनस एक्स डी एक्स डी वाई का हो गया इंटीगल तो आइए अब लिमिट पुट कर देते हैं जीरो टू वन ई रेस्ट टू एक्स बाई थ्री वैसा ही और ई रेस्ट टू थ्री वाई में पहले हम रखेंगे वन माइनस एक्स और बाद में हम पुट करेंगे ज़ीरो तो ई रेस्ट टू ज़ीरो इंटू डी एक्स लिमिट जीरो टू वन ई रेस्ट टू टू एक्स बाई थ्री ई रेस्टू थ्री माइनस थ्री एक्स इंटू ई रेस्टू का जीरो का हो गया वन इंटू डी एक्स बी रेस्टो टू एक्स को काउं उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेस्ट थ्री माइनस एक्स माइनस ई रेस्ट टू एक्स इंटू डी एक्स अब इसका इंटीग्रल करेंगे वन बाई थ्री ई रेस्टू थ्री माइनस एक्स का ई रेस्टू थ्री माइनस एक्स माइनस एक्स का हो गया माइनस वन माइनस ई रेस्ट टू एक्स का ई रेस्ट टू एक्स बाई टू लिमिट पुटेंगे लिमिट पुट करेंगे जीरो टू वन तो वन बाई थ्री ई रेस ई रेस टू टू माइनस वन माइनस ई रेस टू टू बाई टू माइनस ई रेस टू थ्री बाई माइनस वन माइनस वन बाई टू हमने लिमिट पुट कर लिमिट पुट कर दी है ज़ीरो टू वन तो आइए अब देखते हैं इसका आंसर हो गया आई इज इक्वल टू वन बाई सिक्स माइनस थ्री ई रेस टू टू प्लस टू ई रेस टू थ्री प्लस वन आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लिमिट नहीं दी गई है और हमें लिमिट भी फाइन करनी है रीजन भी ड्रॉ करना है और डबल इंटीग्रल भी करना है तो अब कैसे करते हैं वो आप सबको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड मोर एग्जाम्पल